नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, फिर एक बार नागपुर में पैसे डबल करने का झांसा देकर 1,60,00,000 रुपए एक ही व्यक्ति से लूट लिया गया, यानी कि उसके साथ में धोखाधड़ी की गई। दोस्तों, खास बात तो यह है इसमें कि ये धोखाधड़ी करने वाले पिता और पुत्र दोनों साथ में मिलके और उनके दो अन्य सहयोगी, जिनका नाम पिता जो मुख्य आरोपी है वो किशोर झाम, दूसरा उसका बेटा देवांश झाम और दो उनके सहयोगी जिनका नाम है संतोष लांडे और मंगल तिवारी, इन चारों ने मिलकर विनोद गुप्ता नामक व्यक्ति के 1,60,00,000 रुपए धोखाधड़ी की, उनके साथ में ठगी की है। मामला अम्बाझरी थाने में दर्ज है। हम आपको सीधा लेकर चलते हैं किशोर झाम के ऑफिस, जहां पे लोग मिला करते थे और यहीं से सारी वारदात की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इस वक्त मैं वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कुमार के साथ मेडिकल स्क्वायर नागपुर में उपस्थित हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा होगा वेंकटेश सिटी। वेंकटेश सिटी के जो ओनर है वो किशोर झाम है और इनके लड़के देवांश झाम है। हाल फिलहाल में अम्बाझरी थाने में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें 1,60,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। ये मामला दर्ज किशोर झाम, देवांश झाम, संतोष लांडे और मंगल तिवारी, इन चारों पे हुआ है और जिन्होंने मामला दर्ज किया है उनका नाम है विनोद गुप्ता। दोस्तों, विनोद गुप्ता के साथ इन लोगों ने 1,60,00,000 रुपए का धोखाधड़ी किया। हालांकि पैसे डबल के जो खबरें हैं ये पहली बार नागपुर में नहीं है, लेकिन इस बार नया ये है कि ये कॉर्बिट क्रिप्टो करेंसी क्वाइन के नाम पे इन्होंने पैसा लिया। इन्होंने कहा कि 6 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे। इन्होंने ये भी बताया कि इनके पैसे डबल हुए हैं और जो गुप्ता है, विनोद गुप्ता है, उनके भी पैसे डबल कराने का झांसा गुप्ता को दिया गया। जो जानकारी सामने आई है पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट में, विनोद गुप्ता ने ये बताया कि एयरपोर्ट के पास में किसी होटल में इन लोगों ने एक सेमिनार रखा था। उस सेमिनार में बहुत सारे लोग आए थे और जिन सभी को इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए बताया गया। और खास बात तो तब हुई कि जब विनोद गुप्ता, जिन्होंने 1,60,00,000 रुपए जो इन्वेस्ट किया, उनको ये बोला गया, बोलने को लगाया गया, इनके झूठ बोलने को लगाया गया कि तुम ये बोलो कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, यानी कि विनोद गुप्ता एक इन्वेस्टर है और एज ए इन्वेस्टर उन्हें 1,00,00,000 रुपए का फायदा हुआ है। हालांकि दोस्ती, पहचान और जिसका पैसा फंसा हो वो व्यक्ति ये बात बोलने के लिए भी तैयार हो गया और उसने लोगों के सामने, विनोद गुप्ता ने भी ये बात कही। जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हुए, जब पैसे डबल करने की बात हुई, 6 महीने के बाद में ये जो पीछे आप देख रहे हैं इतना बड़ा ऑफिस है, इसके जो मालिक है किशोर झाम और यानी कि इनके बेटे देवांश झाम, यानी कि दोनों बाप बेटे और इनके दो अन्य सहयोगी, ये दोनों मिलकर ये बताया, यानी कि चारों ने मिलकर ये विनोद गुप्ता को बताया, जिस कंपनी में, जिस क्रिप्टो क्वाइन के लिए हमने पैसे इन्वेस्ट किया था डबल करने के लिए, वो कंपनी डूब गई, लेकिन हम तुम्हारा पैसा तुमको वापस करेंगे। अप्रैल 2022 में तथा कथित रूप से यह जानकारी मिली विनोद गुप्ता को कि उनके साथ में 1,60,00,000 रुपए का फ्रॉड हो गया और फ्रॉड करने वाले किशोर झाम, देवांश झाम और उनके दो सहयोगी। हालांकि अभी तक पैसे वापस नहीं मिले, पैसे वापस मांगने पे जान से मार देने की धमकी भी प्राप्त हुई। हालांकि जिसके पैसे जाते हैं वो पीड़ित आखिरकार पुलिस स्टेशन गए और पुलिस में जाकर के मामले को दर्ज करे। खैर, छानबीन शुरू है। इस संबंधित अधिक अपडेट, बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी है और ना जाने विनोद गुप्ता जैसे कितने ऐसे लोग होंगे जिसके साथ में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। हर जानकारी, हर खबर BCN आप तक लेकर आता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें NBCN न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कुमार के साथ मैं वीर सिंह। दोस्तों, खुलासे अभी भी बाकी है, हमारे साथ आप बने रहें, अगले एपिसोड का इंतजार करें, अहम खुलासे हम आप तक लेकर आएंगे। सतर्क रहें, बस BCN इतना ही आप सभी से कहता है। देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। जय हिंद।